For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. दुबई से आया जीरो का पहला रिव्यू। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाय में। वेल, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जीरो को भले ही इंडिया में अभी तक किसी ने ना देखा हो, लेकिन दुबई के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को देख लिया है और साथ ही साथ इस फिल्म को खूब सराहा भी है। दरअसल दुबई सेंसर बोर्ड के मेंबर और जर्नलिस्ट उमेश संधु ने इस फिल्म पर अपनी राय दी है और उनके मुताबिक ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है। जी हाँ, इस दिन उमेश संधु ने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, #0 फाइनल रिपोर्ट्स आर आउट एंड इट्स बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ 2018 ऑन द वे। यानी जीरो का दुबई में इतिहास रचना तो तय है ही। वैसे अगर आप इस बात से वाकिफ ना हो तो बता दें, शाहरुख खान की दुबई में काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। अब ऐसे में जीरो का दुबई में ब्लॉकबस्टर होना तो तय है। तो दोस्तों, आपके इस पर क्या राय है? वेल, हमें अपना सुझाव बताएं और जुड़े रहे बॉलीवुड स्पाई के साथ। अश्विनी थोड़ा पीछे हो। जी जी, परफॉर्म कर रही हूँ और बाकी सारे परफॉर्मेंस को भी लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। नोरा का परफॉर्मेंस हो गया, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दैट, शी इज सच एन अमेजिंग डांसर, बट होपफुली आई वोंट मिस द रेस्ट ऑफ देम, सो आई कांट वेट टू गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स इन देयर। जी देखिए, मुझे वो सब समझ में नहीं आता। मुझे आई लव डांसिंग और मुझे जब पता चला कि ऐसा एक सॉन्ग है एंड गली गली है ऑन टॉप ऑफ दैट, सो आई रियली लाइक द सॉन्ग एंड रितेश सिडवानी इज फ्रॉम एक्सेल एंड माय फर्स्ट मूवी इज़ विद देम, सो इज़ वेरी एक्साइटेड। इट्स अ प्रेस्टिजियस प्रोडक्शन हाउस, तो मुझे पता था कि वो लोग अच्छे से बनाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत अगर मुझे रिहर्सल मिल जाती तो मुझे खुशी होती, बट बहुत लास्ट मिनट सब कुछ शूट किया हमने। कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। जी जी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है वो शूट, आई थिंक अ वीक ऑफ इट इज़ लेफ्ट। इट हैज़ बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई थिंक आई हैव लर्नड सो मच इन दिस फिल्म। राजकुमार इज़ अ ट्रिमेंडस एक्टर, सो एवरी सीन, एंड निखिल इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। आई डोंट नो इफ यू गाइज नो दिस, ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर फॉर रॉन्ग साइड राजू, सो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। महज 5 मिनट में बिके KGF के 1100 टिकट। वेल, इस साल 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली कन्नड़ फिल्म KGF को लेकर दर्शकों में कितनी उत्सुकता है ये तो हम सभी जानते हैं, और अब इस फिल्म के एडवांस बुकिंग में भी वही क्रेज देखने को मिला। जी हाँ, बेंगलुरु के उर्वशी सिनेप्लेक्स में महज 5 मिनट के अंदर KGF के 1100 टिकट्स बिक गए। बताते चले, इस बात को शेयर करते हुए सिनेप्लेक्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इस पर इस दिन ये ट्वीट किया, वी आर स्पेल बाउंड, 1100 tickets sold in 5 minutes of starting the booking. Yash, KGF has created many landmarks from start. Looking forward. वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। भाई लेफ्ट साइड में भाई भाई यहां पे भाई लेफ्ट साइड में।
थैंक यू। अभी बाइट चाहिए पक्का? बाइट चाहिए पक्का? आज की शाम परफॉर्म कर रहे हैं आप, सम्मान जी को आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं आप और कौन कौन से गाने? जियो रे बाहुबली। बाहुबली के एक्टर जिन्हें घर घर में पहचाना जाने लग गया है और जिन्हें हम इंडस्ट्री का बाहुबली कहने लग गए हैं, यानी कि दोस्तों प्रभास। प्रभास जी 2017 में जब बाहुबली आती है उसके बाद कौन सी फिल्म आएगी, कीप गैसिंग हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे थे। फाइनली पता चलती है कि साहू फिल्म आ रही है उनको, और साहू में जो है प्रभास के साथ साथ श्रद्धा कपूर की इंटरेस्टिंग जोड़ी होगी। अब इसके एक्शन सीन्स का एक स्नीक पीक हमें देखने को मिलता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कब रिलीज होने वाली है? तो चलिए आपके राहुल भोज आपको अपडेट करता है, 15 अगस्त 2019 को रिलीज होने वाली है साहो। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक हैं और एक बहुत बड़े वो ट्रेड एनालिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट करके हमें इस बात की जानकारी दी है कि 15th अगस्त 2019 को रिलीज होने वाली है साहो, जिसमें कि प्रभास एक अलग एक्शन कूल लुक और अवतार में नजर आएंगे। इस फिल्म के अंदर अंदर आपको बता दूं, श्रद्धा कपूर हैं जो कि प्रेमिका बनी होंगी और एक पिवोटल कैरेक्टर प्ले कर रही होंगी। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर नील नितिन मुकेश एक खलनायक की भूमिका में होंगे। नील वैसे प्रेम रतन धन पायो और बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं उनमें वो खलनायक की भूमिका में हम देख चुके हैं। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि 15 अगस्त को तो भाई केसरी भी आ सकती है, मतलब उसी टाइम पे केसरी भी आ सकती है, तो क्या क्रेज होगा? जनता किसे ज्यादा प्यार देगी, साउथ सुपरस्टार यानी कि हमारे प्रभास जी को, या फिर हो सकता है खिलाड़ी कुमार एक कड़ी टक्कर दें? वेल लेट्स सी फाइंड आउट। ये तो भाई इंटरेस्टिंग बात है कि 15 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली है। एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुका है, आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल अभी बढ़ा या नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और बने रहो मेरे साथ, मेरी जान राहुल भोज आपको अपडेट करता रहेगा। लो जी, KGF अभी रिलीज भी नहीं हुई और इसके सेकेंड पार्ट की तैयारी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। KGF एक ऐसी फिल्म बनती जा रही है जो कि मिस्ट्री से भरी हुई है, साथ ही साथ इसके एक्शन हॉलीवुड से कंपेयर किए जा रहे हैं, और इसका जो फील है, वो जो रस्टिक फील है, उसको देखकर कहीं ना कहीं मैड मैक्स फ्यूरी रोड से भी कंपैरिजन हुआ जा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों यश इस फिल्म के मेन लीड एक्टर हैं और यश से बहुत सारी उम्मीदें हैं दर्शकों की। यश जो कि धड़ल्ले से शूटिंग खत्म करने के बाद प्रमोशन में लग जाते हैं और अब प्रमोशन के साथ साथ शूटिंग भी कर रहे हैं वो। जी हाँ दोस्तों, यश जो है शूटिंग कर रहे हैं KGF 2 के लिए, और प्लस 20% जो फिल्म की जो कहानी है अभी तक शूट करी जा चुकी है, और आगे के जो बचते हैं 80% वो आगे आने वाले सालों में, मतलब साल में 2019 में शूट किए जाएंगे। हाँ, बीच में ऐसा हो भी सकता है यश न्यू ईयर के टाइम पे ब्रेक लें, लेकिन प्रमोशन टीम प्लस साथ ही साथ जितनी भी जो टीम है वो दो तरीके से बट चुकी है। एक प्रमोशन कर रही है, प्रमोशन से टाइम निकाल के फिर उसके बाद शूटिंग कर रहे हैं, फिर शूटिंग से टाइम निकाल के प्रमोशन कर रहे हैं। तो ओवर एंड ऑल फिल्म अच्छी जा रही है दोस्तों, और तो ओवर एंड ऑल सेकेंड फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। और सेकेंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बनाने के लिए कोई भी तब आगे बढ़ता है जब वो फर्स्ट पार्ट से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, बहुत ज्यादा उसे आशा है कि फर्स्ट पार्ट जो है सुपर डुपर हिट जाएगा और सेकंड पार्ट डेफिनेटली दर्शक उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं जैसा, याद है बाहुबली में कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को वाला क्वेश्चन उठ गया था? तो हो सकता है कि इस फिल्म के अंदर, यानी कि ये जो KGF आ रही है 21 दिसंबर को, इसमें भी एक सवाल आ जाए, इसमें भी कहानी को एक ऐसे मोड़ पे खत्म कर दिया जाए कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जो एक एक्साइटमेंट होती है वो बढ़ जाएगी। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन आप कितने एक्साइटेड हैं पार्ट टू के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ KGF देखने जा रहे हो या नहीं सारी बातें बोल दीजिए। हाँ, तब तक अपना ख्याल रखना। जी जी जी, काफी अच्छा, काफी अच्छा मैंने देखा, मुकेश भाई ने लगाया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने जो दिल से आया कि बड़ा ही अच्छा है, और मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। नहीं, मैं जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता हूँ वो रियली होता है, तो अगर मैंने एक बार कह दिया तो वो मतलब लोगों के लिए नहीं था, वो उनके लिए भी था, तो मैंने उस पर फिर उनको भी अच्छा लगा, तो वो रियली टॉक था, उसको फिर एक अलग से कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत थी।
नहीं और कुछ समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वो लिटरल है, मेटाफर नहीं है। स्क्रीन अवार्ड्स है, बहुत मजा आ रहा है, आप लोग एंजॉय करें, थैंक यू, नो कमेंट्स। और आपको पता ही होगी कि शाहरुख खान की फिल्म जीरो आ रही है जी। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म को लेकर? मैं शाहरुख खान साहब की हर फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड होता हूँ, मैं उनकी फिल्में बहुत बहुत पसंद करता हूँ, और मैं अब ज़ीरो आ रही है इस साल तो बहुत खुश हूँ, और मुझे एक्साइटमेंट है कि मैं जाके देखूँ और तालियां बजाऊं, सीटियां बजाऊं। अच्छा, जीरो का क्लैश केजीएफ के साथ हो रहा है, एक कनाडा फिल्म है जो कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ऑडियंस फिल्म को बहुत ज़्यादा, केजीएफ के लिए स्पेशली, तो इस क्लैश के बारे में आपको कहना है कि उस साउथ के एक यश हैं जो सुपरस्टार है माना जाता है उनको, तो वो भी है इस फिल्म। मुझे लगता है कि ऑडियंस अलग है, और अगर सेम भी है तो भी क्लैश वाली कोई बात नहीं है, एक फिल्म ये देख लो उसके बाद ये देख लो, उसको ये देख लो वो देख लो, तो इसको दोनों देखनी है, मुझे कहीं क्लैश वाली कोई बात नज़र नहीं आती है। तो कानपुर वाले खुरानास के बारे में बात करते हैं, तो आगे आगे कौन से गेस्ट एक्सपेक्टेड है? हमने ऑलरेडी जो शूट किया है, जैसे मैंने बताया सिम्बा टीम के साथ शूट किया है, उसके बाद धर्म जी आए थे और साथ में बादशाह थे, तो वो एपिसोड एक शूट किया, बड़ा मज़ा आया उसमें भी। तो आने वाले एपिसोड्स में उदित नारायण साहब हैं, उनकी फैमिली है, और जैसे जैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। दुबई से आया जीरो का पहला रिव्यू। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। वेल, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जीरो को भले ही इंडिया में अभी तक किसी ने ना देखा हो, लेकिन दुबई के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को देख लिया है और साथ ही साथ इस फिल्म को खूब सराहा भी है। दरअसल दुबई सेंसर बोर्ड के मेंबर और जर्नलिस्ट उमेश संधू ने इस फिल्म पर अपनी राय दी है और उनके मुताबिक ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है। जी हाँ, इस दिन उमेश संधू ने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, #zero फाइनल रिपोर्ट्स आर आउट एंड इट्स बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ 2018 ऑन द वे। यानी जीरो का दुबई में इतिहास रचना तो तय है ही। वैसे अगर आप इस बात से वाकिफ ना हो तो बता दें, शाहरुख खान की दुबई में काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, अब ऐसे में जीरो का दुबई में ब्लॉकबस्टर होना तो तय है। तो दोस्तों, आपके इस पर क्या राय है? वेल, हमें अपना सुझाव बताएं और जुड़े रहे बॉलीवुड स्पाई के साथ।